कानपुर के गुजैनी से 5 बच्चे संदिग्ध हाल में लापता हो गए। एक बच्चे की लोकेशन मंगलवार को गोवा में मिली है, जबकि अन्य 4 का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। वहीं परिजनों ने हाईवे जाम कर हंगामा किया, तब पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। इसके बाद जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई। आपको बता दें कि गोवा में नौकरी करने वाला युवक बच्चों को बहलाकर कानपुर से ले गया है। वही गुजैनी सी ब्लॉक में रहने वाली गुड़िया शुक्ला ने बताया कि हाई स्कूल में पढ़ने वाला उनका बेटा अभि शुक्ला उर्फ रुद्राज संदिग्ध हालात में 18 अगस्त को लापता हो गया था। उन्होंने गोविंद नगर थाने में लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद पता चला कि गुजैनी गांव निवासी लोडा चालक ओम प्रकाश तिवारी का बेटा दीपक दोपहर घर से खेलने निकला था। देर शाम तक वह घर नहीं पहुंचा तो माँ और बहन पूरे गांव में ढूंढने निकली। तब पता चला कि ठेला लगाने वाला अशोक का बेटा अभय और नरेश का बेटा किशन और अंडे का ठेला लगाने वाली सुंदरी का बेटा श्रावण अपने घर से लापता है। वही गोविंद नगर थाना प्रभारी रोहित तिवारी ने बताया कि सोमवार को अभी की लोकेशन गोवा में मिली है। उनके मोहल्ले में ही रहने वाली माधवी सिंह का छोटा बेटा विक्की सिंह गोवा में नौकरी करता है। यहां से जाने के दौरान वह उसे अपने साथ ले गया था, उसे वापस लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं अभी तक गुजैनी थाना क्षेत्र से लापता 4 बच्चों का पुलिस अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।